हेलो दोस्तों, एवेल एनिगमा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, फिरोजशाह कोटला नाम से ही बहुत बड़ा और विशाल लगता है, पर दोस्तों भूत प्रेतों की बातों से हटकर यहाँ ऐसे जिनों की कहानियां फेमस है जो शायद अच्छे अच्छों को जिनों पर यकीन करने पर मजबूर कर दे। तो चले दोस्तों, जानते हैं क्या है फिरोजशाह कोटला में। जिनों का अड्डा फिरोजशाह कोटला। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में एक तरफ स्टेडियम है जहां बहुत बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों ने अपना नाम रोशन किया, वहीं दूसरी तरफ एक खंडर सा किला है जहां रहस्यमय जिन रहते हैं। आइए पहले जानते हैं कैसे बना फिरोजशाह कोटला। फिरोजशाह तुगलक ने अपने चाचा मोहम्मद बिन तुगलक से राजगद्दी छीनने के बाद 1354 में फिरोजशाह कोटला किले का निर्माण करवाया था। उसी साल उसने एक शहर भी बनवाया था जिसका नाम था फिरोजाबाद। फिरोजशाह ने यह किला इसलिए भी बनवाया था क्योंकि तुगलकबाद किले में पानी की समस्या थी। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ एक बाबा रहा करते थे जिन्होंने अपने शागिदों को जिन की शक्तियों के बारे में बताया था जो वो यहाँ महसूस कर रहे थे, और वो ये कहने लगे कि जो भी यहाँ अपनी मुरादें लेकर आएगा उसकी सभी इच्छाएं यहाँ के जिन पूरी करेंगे। उनका यह भी मानना था कि यहाँ के जिन करीब 400 साल पुराने हैं, यानी वो जिन यहाँ 400 सालों से रह रहे हैं। फिरोजशाह कोटला में सबसे ज्यादा चर्चित जिन हैं लाट वाले बाबा, जो बाकी जिनों के मुखिया हैं। माना जाता है कि वो 13.1 मीटर के पत्थर से बने मीनारे जरीन में रहते हैं। इस मीनार के आसपास रेलिंग लगी है और लोग मीनार को छूने की कोशिश इस उम्मीद में करते हैं कि उनकी सभी इच्छाएं पूरी होगी। यूं तो फिरोजशाह कोटला एक किला है जहाँ पर लोग अक्सर घूमने जाया करते हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, और इसीलिए वो इस फिरोजशाह कोटला में आते हैं और अपनी सारी इच्छाएं एक लेटर में लिखकर यहाँ छोड़ देते हैं। यहाँ का नजारा देखकर आप सच में चौंक जाएंगे, लेकिन जिन में विश्वास रखने वाले लोग यहाँ पर जरूर आते हैं और अपनी इच्छाओं को यहाँ एक लेटर के जरिए जरूर छोड़कर जाते हैं। पर हम आपको एक और बात यहाँ की बताना चाहते हैं। एक तरफ जहाँ लोग इन सब चीजों को इतना बढ़ावा देते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग सिर्फ इस बात को केवल अंधविश्वास मानते हैं। यहाँ पर काम करने वाले लोग, मैनेजमेंट, सफाई कर्मचारी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है जब यहाँ साफ सफाई की जाती है, क्योंकि लोग यहाँ पर बहुत गंदगी फैला के जाते हैं। साथ ही साथ अंधविश्वास में यहाँ अगरबत्ती की बहुत वेस्टेज की जाती है, साथ ही साथ पेपर भी वेस्ट किया जाता है जो कि मॉन्यूमेंट को खराब कर रहा है। और ये भी माना जाता है कि यहाँ सिर्फ अंधविश्वास है भूत उतारने का और जिन के होने का, और इन सब चीजों पर यहाँ बिजनेस किया जाता है। यहाँ पास में रहने वाले लोग इसे सिर्फ एक किला मानते हैं और कुछ नहीं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो यहाँ आने वाले और उसकी पूरी हुई मुरादों पर है। दोस्तों, आप सभी लोगों को क्या लगता है, क्या यहाँ सच में जिन है जो इच्छाएं पूरी करते हैं या सिर्फ एक अंधविश्वास है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और भी मिस्टीरियस वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें जिससे आप लोगों को सबसे पहले मिल सके हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, हमारे पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।